रोज वाटर ग्लो टोनर है। बहुत अच्छा है, मैंने फ्रिज में रख दिया था। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो समर में बहुत कम प्रोडक्ट यूज कीजिए सनस्क्रीन के। स्किन ऑयली है तो बहुत कम प्रोडक्ट यूज कीजिए, जेल बेस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। नेक्स्ट में पर्पल का ऑयल कंट्रोल, ये आप यूज़ कीजिए, मुझे बहुत ही अच्छा, हाईली रिकमेंड करती हूँ। मेरी ये तीसरी बोतल है, ये भी ख़त्म होने आई है। तो मैं जब से मैंने ये किया ना, तब से मुझे पिंपल्स नहीं हो रहे। बस आपको एक दो ड्रॉप्स लगा लेना है। अब देख लेना, पर्पल पे सेल आता ही रहता है। एंड आपको मैं इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि गुड वाइब्स का जो जेल है, एलोवेरा जेल, अभी बहुत डिस्काउंट, अच्छी सी ऑफर है, तो आप लोगों को लेना है तो ले लो झट से। नेक्स्ट जो है एलोवेरा विटामिन ए एंटी नाइट लोशन, जो मैं कब से यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बस इतना ही लेना है, क्योंकि ये इसका मैं फुल डिटेल में रिव्यू दूंगी। बहुत अच्छे, मुझे अच्छा लगा। कुछ कुछ इसमें है पॉइंट, वो आपको मैं रिव्यू दूंगी तभी बता दूंगी। असली बम मैंने लगा लिया था। ट्रू ज्वेल 24K गोल्ड प्राइमर, बस इतना सा ही लेना है आपको। एंड हर बार मैं बताती हूँ कि प्राइमर लगाने के बाद आप 2 मिनट या 2 सेकंड थोड़ी देर रुक जाओ, मतलब उसको सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो पेंसिल जो मुझे अच्छी लगती। जब तक आपका प्राइमर शेड होता है तब तक ही आप आईब्रो कर लो फटाफट से। समर में मैं डायरेक्ट कुछ भी नहीं लगाती हूँ, डायरेक्ट पाउडर ही लगाती हूँ। तो आज हमें ब्रश नहीं लेना है, हाथ से ही करना है, हमने चैलेंज किया है, तो बस आपको इसे लेके टैप टैप कर देना है। अभी मैं आई के लिए कुछ करना पड़ेगा, मेरे डार्क सर्कल बहुत है। पैलेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप सबको पता है मैं यही यूज करती हूँ।
करेंगे। कितना फर्क है। अभी मैं ये ऑफ कैमरा करके आती हूँ, लाइट यूज करूंगी क्योंकि उसमें ब्राउन शेड है, बहुत सारे है। देखो आपको कंट्रोल के लिए ये पैलेट बेस्ट रहेगा, आपको सॉरी आप ये भी कर सकते हो, डार्क में जाना है बहुत, लाइट में जाना है तो ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। ब्रश का यूज़ मैं ऐसे नहीं करूँगी बट ऐसे करूँगी, आपका कंट्रोल अच्छा साफ होगा थोड़ा। वाव पैलेट है, आपको आपको सब कुछ उसमें से मिल जाएगा, कंटूर ब्लश हाइलाइटर सब कुछ। ब्लश में ये ले रही हूँ, ये लाइट दो फिंगर से करोगे तो अच्छे से हो जाएगा ऐसे। एंड हाइलाइटर ये वो इस फिंगर से करती हूँ मैं। क्रिसा एग्जाम देके आई है ना, तो अच्छा सा पेपर गया है, तो वो उसके पापा के साथ डिस्कस कर रही है। वाओ कितना ग्लो कर रहा है, आप लोग देखना। अभी मैं थोड़ा सा एक कॉटन लेके सब कुछ अच्छा कर लूंगी।
सेड नंबर है टू।